सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौर हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलमे इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। सारा को आपने धोखा दिया, उसे अब्दुल हमीद के हवाले कर दिया, ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। और इस अंग्रेज जासूस को सबूत के तौर पर पाया तख्त अपने हमरा लेकर जाएंगे। वो महल में हमें मारने आई थी पाशा, इससे पहले कि उसे अपना माजी याद आए। हमें उसका माजी मालूम करना है। उस्मानी जासूसों ने फलस्तीन में मेरा मंसूबा नाकाम कर दिया। लेकिन अब्दुल हमीद क्या इस औरत के बदले सारा को छोड़ देगा? हिरम, तुम अब्दुल हमीद के सिर्फ नाम से वाकिफ हो, मैं अब्दुल हमीद को अंदर से जानता हूँ। सुनेहा सुल्तान, हमें अफसोस है कि आप इन्हें यहाँ से कहीं नहीं ले जा सकती। पूरा हक हासिल है हमें इस बारे में फैसला करने का। हम आपको इन्हें ले जाने से नहीं रोक रहे, बल्कि ये हमारे मौलजों की राय है कि इन्हें कहीं भी मुंतकिल करने से इनकी जान को खतरा हो सकता है। इस महल से मुतालिक कोई बात याद आई आपको बताइए। अब्दुल हमीद से अपने बाबा के कत्ल का इंतकाम नहीं लोगी क्या तुम? इंतकाम लेके रहूंगी। फूफी जान, सब खैरियत तो है? बैठिए खदीजा, बैठिए। हुआ क्या है? हम आज अपनी बहू को अपने घर ले जाने के लिए आए थे, लेकिन बिदार ने मौले जमा करके और सेहत का बहाना बनाकर उन्हें घर ले जाने से रोक दिया। लेकिन क्यों नहीं ले जाने दे रही वो उसे? आह खदीजा, बिदार खातून हमें न जाने क्यों पसंद नहीं करती और हमारी हर बात की मुखालिफत करती है। ठीक कह रही हैं आप। सुनिए खदीजा, एक मसला है जिसके हल के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। क्या दोबारा बाबा जान के मुतालिक कोई मामला है? बिल्कुल नहीं, आप बेफिक्र हो जाइए। आप जानती हैं हम हर वक्त महल में मौजूद नहीं होते। आप ऐसा कीजिए, मकबूला के साथ कुछ वक्त गुजारना शुरू कर दीजिए। उनके होश में आते ही उन्हें मालूम हो जाना चाहिए कि वो महमूद पाशा की बहू हैं। देखिए, ये निहायत जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो होश में आने के बाद कोई ऐसा बयान दे दें जो हमारे लिए नापसंदीदा हो। ठीक है, आप बेफिक्र हो जाइए, ये जिम्मेदारी हमारी है, अब हम सब कुछ संभाल लेंगे। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। मेरे सुल्तान, उसने जवाबात तो नहीं दिए, लेकिन ये तस्वीर देखकर कहा कि इफ्राहिम आफंदी आसन के वालिद मोहतरम थे। क्या वाकई? तो ये इफ्राहिम आफंदी की दुख्तर है? तो क्या आप ये नहीं जानते थे कि इफ्राहिम आफंदी की कोई दुख्तर भी है? हमारी मुलाकात 30 साल पहले हुई थी पाशा, राजदारी की खातिर हम दोनों ही मिलने से गुरेज किया करते थे पाशा। वो राज 30 साल के बाद हमें मालूम हो जाएगा क्या? इंशाअल्लाह मेरे सुल्तान,
सुल्तान मुअज्जम ये भी तो हो सकता है कि इफ्राहिम आफंदी ने वो खुफिया आदत अपनी दुख्तर को बता दिया हो, शायद ये तस्वीर देखकर उसे अपना माजी याद आ जाए। मुश्किल है। वो क्यों सुल्तान? क्योंकि सारा यही चाहती है। उसने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, बस हमें ये बताया कि आसन इफ्राहिम आफंदी की बेटी है। जब तक आसन और सारा का ताल्लुक मालूम नहीं हो जाता और उसका इल्म ना हो जाए जिसने हमारी जान लेने के लिए आसन को महल में भेजा था, आसन और सारा को मिलना नहीं चाहिए। ये तस्वीर आसन के सामने ना जाए, पहले उसका माजी मालूम करना होगा हमें पाशा। मेरे सुल्तान, सारा हिदायत का क्या करना है? इंतजार कीजिए जब तक सूरत हल वाज़े ना हो जाए। देखते हैं इस औरत को लेने यहां कौन आता है तहसीन पाशा। वालिदा आइए। अब्दुल कादिर आइए बैठिए। बात क्या है? फूफी ने मकबूला को आपके बाबा से मांग लिया है। किस लिए वालिदा? सबाहद्दीन की दुल्हन बनाने के लिए। वो उसे हमारे हाथ से ले जा रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं अब्दुल कादिर। हमें तो डर ये है कि वो सनेहा के घर जाके होश में ना आ जाए। अगर उसे वहां होश आया तो वो किसी को नहीं बता सकेगी कि हमलावर महमूद पाशा हैं। यही बात है फरजंद, फिर हम आपके मामू को कैसे बचाएंगे? लड़की का नहीं मालूम, लेकिन मामू को बचाने का एक तरीका है हमारे पास। और क्या है वो? उन्होंने जिस सारा हिदायत के अकाउंट से पैसे भिजवाए थे। हाँ तो? वो महल में है। अगर उस औरत से जाकर किसी तरह हम मिल सकें, उसे एक दस्तावेज दें और कहें कि उस पर दस्तखत कर दे, और फिर उस दस्तावेज के जरिए उसके अकाउंट से महमूद पाशा के अकाउंट में हम रकम मुंतकिल कर देंगे। इस तरह भूपी जान के पास मौजूद दस्तावेज बेमानी हो जाएगी। जब महमूद पाशा से रकम के बारे में पूछा जाएगा तो हम उस वक्त महमूद पाशा के अकाउंट में भेजी गई रकम की रसीद दिखा देंगे, और ऐसा करके हम कम से कम ये साबित कर सकते हैं कि किसी के अकाउंट में रकम भेजना कोई ठोस सबूत नहीं। अब्दुल कादिर, उस औरत को दस्तावेज पर दस्तखत करने के लिए राजी कैसे करेंगे? क्या शहजादे को तोहफा दे दिया आपने? मौका नहीं मिला। लेकिन क्यों पाकिसा? वो दूर ही रहते हैं मुझसे। फिक्र मत करें आप, हो सकता है वो उस वक्त किसी परेशानी में हो। मेरी सुल्ताना, आपके आ जाने से हमें बहुत खुशी हुई है। हमारी खुशकिस्मती है कि आपसे मुलाकात हुई। असल में आप ही शाही खानदान की हकदार बहू हैं। हाँ, हम तो हमेशा ही कहा करते हैं पाकीज़ा, अगर आप मिसाली खातून को देखना चाहते हैं तो फातिमा सुल्तान को देखिए। अस्तग़फिरुल्लाह, सच कह रहे हैं हम। आपकी गैर मौजूदगी में बिदार खातून का रवैया देखने लायक था, यानी उन्होंने हर वो काम किया जो खानदान को जेब नहीं। सुलेहा सुल्तान, माजरत चाहते हैं लेकिन हमें दूसरों की गीबतें सुनना सख्त नापसंद है। ठीक है ठीक है। तशरीफ रखिए जनाब रिचर्ड। पाशा, रियासती उमूर में आपकी दूरंदेशी और सियासी बसीरत का मैं दिल से मोतरफ हूं। काम की बात कीजिए। तहसीन पाशा, आप तो जानते हैं कि इस्लाहात के बाद उस्मानिया रियासत में रहने वाले गैर मुल्कियों पर उनके अपने मुल्क में ही शफाफ तरीके से मुकदमा चलाया जा सकता है। गोया आप मुझे यहाँ तारीख पढ़ाने आए हैं। ऐसी बात नहीं है तहसीन पाशा। सुना है कि आपने सारा हिदाया को हिरासत में लिया है। सारा साहिबा बरतानवी शहरी हैं। मैं आपसे उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा करता हूँ। सारा हिदाया,
सारा हिदाया। ये नाम शायद कहीं सुना है मैंने। पाशा, सारा साहिबा आपकी हिरासत में है। क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? नहीं है। सारा हिदाया महल में जेर हिरासत है, इसका कोई सबूत नहीं और ना ही कोई गवाह। वो यहां नहीं तो नहीं। पाशा, बरतानवी हुकूमत अपने शहरियों की हिफाजत के मामले में इंतहाई हसास है। क्या वाकई? देखिए, सारा हिदाया की फिक्र करने की बजाय अपने उन जासूसों की फिक्र कीजिए जिन्हें आपने फलस्तीन में यहूदियों के कत्ल पर मामूर किया था। क्या वो लोग आपके शहरी नहीं थे? आपके जासूस ने जराइम का एतराफ कर लिया है। बहुत जल्द आपकी हुकूमत दुनिया भर में बदनाम हो जाएगी। सारा हिदाया की फिक्र करना छोड़ें और अपने भेजे हुए जासूसों को बचाने की फिक्र कीजिए। जाइए जाइए। क्या सारा को आप यहां लाए थे? क्या आपने कभी यह सोचा है महमूद पाशा कि गैर मुस्लिम आप पर इतना एतमाद क्यों करते हैं, क्यों भरोसा करते हैं? मेरे सुल्तान, मैं अपने समाजी ताल्लुकात की बिना पर जाना जाता हूं। यहां तक कि अगर मुझे जंग में भी मौका मिल जाए तो मैं दुश्मनों से भी दोस्ती कर लेता हूं। शायद लोग मेरी बेजरर फितरत की वजह से नजदीक आ जाते हैं, लेकिन रियासती मफादात के खिलाफ मैं कभी भी कोई अमल नहीं करता हूं, कभी भी नहीं। आफरीन महमूद पाशा, आफरीन। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपनी सल्तनत के वफादार लोगों की बहुत कदर किया करते हैं और गद्दारों को छोड़ते नहीं। सुल्तान मुअज्जम, मैंने तो हुकूमत की सिर्फ नवाजिशात ही देखी है। हुकूमत सजा भी देती है और जजा भी देती है, बेहिसाब देती है पाशा। जी बिल्कुल। वो सारा साहिबा से मुतालिक आपकी क्या राय है मेरे सुल्तान? उससे तहकीकात की गई है लेकिन कुछ नहीं बताया। अगर आपकी इजाजत हो तो सारा साहिबा से मैं तफ्तीश कर सकता हूं, मुमकिन है हमें कोई खास मालूमात हासिल हो जाएं। इस महल में आमद की वजह मैं ही बना था, ये भी याद दिलाऊंगा उसे। उसे मालूम होना चाहिए कि एक उस्मानी पाशा कभी भी अपनी रियासत के साथ किसी सूरत भी गद्दारी नहीं कर सकता। आइए तहसीन पाशा। मेरे सुल्तान, बरतानवी सफीर आया था, उसका कहना है कि सारा हमारी हिरासत में है। उससे कह दीजिए हमने ये नाम भी कभी नहीं सुना। ये मैं कह चुका हूं सुल्तान मौसम। सारा हदाया, उसकी असलियत मालूम हो गई है हमें। अगर उसे छुड़ाने बरतानवी सफीर आया है तो इसका मतलब उसकी लगाम यूरोप के हाथों में है। लेकिन उसे भेजा किसने है? मेरे सुल्तान, अगर इजाजत हो तो मैं उसे मालूम करूं। बहुत शुक्रिया। तहसीन पाशा, निगरानी करेंगे आप। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। हम जानते हैं कल का दिन आपका बुरा गुजरा। जी बिल्कुल। सुना है आप उन दर्जनों में से एक को जानती हैं? नहीं जानती मैं, मतलब मुझे याद नहीं, शायद वो जानती है मुझे। तो उससे बात क्यों नहीं करती आप? ये तो पता चल जाएगा कि आखिर आप हैं कौन और आई कहां से हैं। हो सकता है इस तरह आपको आपका माजी याद आ जाए। आइए। सुल्तान की जानिब से इजाजत नहीं, काश कि मेरी उससे मुलाकात हो पाती। बाबा ऐसे ही हैं, उनकी हर बात के पीछे कोई मकसद होता है। क्या आप कुछ नहीं कर सकते शहजादे?
आप जरूर मेरी मदद करेंगे, पूरी उम्मीद है मुझे। कोशिश करेंगे कि हम आपको उससे मिलवा दें, परेशान मत होइए। आइए सारा खानम, यहां तशरीफ रखिए। अब्दुल हमीद ने पहले एक बूढ़े को भेजा था मुझसे तफ्तीश करने के लिए, वो मुझसे कुछ उगलवा नहीं सका तो अब तुम्हें भेज दिया। लगता है अगली दफा सिपाहियों को भेजेंगे तशद्दुद करने के लिए। सारा खानम, अब्दुल हमीद खान ने न जाने कौन से बूढ़े को भेजा था तफ्तीश के लिए, लेकिन लगता है आप हमारे सुल्तान को जानती नहीं हैं। वो किसी को आप पर तशद्दुद करने नहीं भेजेंगे, और ना कोई ऐसा इंसान जो सख्ती से पेश आए आपके साथ। उम्मीद है कि आपके अंदेशे दूर हो गए होंगे। अब मेरे सवाल का जवाब दें, किस मकसद के तहत महल आई थी? सुल्तान को शायद मेरी अहमियत का अंदाजा हो गया है। एक एक करके क्या सारे पाशा भेजे जाएंगे अब? सारा खानम, हो सकता है ये आखिरी बार हो, इसलिए बराहे करम सवाल का जवाब दे दीजिए। यहां किसने भेजा था आपको और उसका मकसद क्या था? उस लड़की से आपका क्या ताल्लुक है? आखिरी बार पूछ रहा हूं, उसके साथ क्या ताल्लुक है आपका? बहुत ही अजीम सुल्तान है आपका, सारे काम छोड़कर एक औरत से कुछ सुनने का मुंतजर है वो। ये बातें छोड़िए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए, उस लड़की से आपका क्या ताल्लुक है? मैंने कहा मेरे सवाल का जवाब दे दो, उस लड़की से तुम्हारा क्या ताल्लुक है बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तहसीन पाशा, आप देख रहे हैं कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है, मैं इसे जान से मार दूंगा। महमूद पाशा, मेरी बातों को अहमियत नहीं दे रही है, मैं इसे जान से मार दूंगा। चलिए महमूद पाशा, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। इसे तबादले के दौरान पहनना, ताकि पता चल सके कि ये सुल्तान की कोई नई चाल तो नहीं है। नई खबर सुनो, जालिम सुल्तान ने एक बेगुनाह औरत को महल में कैद कर रखा है। ये कोई बड़ी बात नहीं। बरतानवी सफीर जब उस औरत का पूछने महल किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, मुकर गए। अब्दुल हमीद बहुत जहीन है। सारा उनकी कैद में है, मुझे इसका कोई सबूत चाहिए। सबातीन जनाब परवुस को सारा की खबर देनी होगी मुझे। तो क्या आपका जनाब परवुस को बता देना ही काफी नहीं? आप उन्हें इतला कर दें। सारा के अलावा किसी का रब्ता नहीं है उनसे, वो मुझसे सिर्फ उसी सूरत रब्ता करेंगे जब सारा की गिरफ्तारी का इल्म होगा उन्हें। और फिर आप क्या करेंगे? उनसे मुतालबा करूंगा असलाह का, और वो असलाहा आर्मीनी दहशतगर्दों को दूंगा। फिर वो दहशतगर्द उस्मानी बैंक पर हमला करेंगे और वहां मौजूद लोगों को यरगमाल बना लेंगे। तो फिर इस तरह खूनी सुल्तान सारा को रिहा कर देगा? बिल्कुल, हम पहले से वहां मौजूद होंगे और बैंक की तमाम तिजोरियां खाली कर देंगे। मैं आपके लिए दुआ ही कर सकता हूँ जनाब फजल। सबहद्दीन, एक ऐसा दस्तावेजी सबूत चाहिए जो वहां सारा की मौजूदगी को साबित करे। जनाब फजल, ऐसे काम बिल्कुल नहीं करता मैं। मेरे काम करने के अपने तरीके हैं, और ना ही मैं आपका मुलाजिम हूं। आप गलत समझ रहे हैं मुझे, आप तो इस सल्तनत का मुस्तकबिल हैं, आप मुहज़्ज़ब दुनिया का मुस्तकबिल हैं। फिर तो बारबू साहब खुद राबता करें मुझसे। खुदा हाफिज जनाब हर्ज़ल। अपनी सल्तनत से गद्दारी करने वाले मक्कारों का गुरूर और तकब्बुर देखकर बहुत हैरत होती है मुझे। कहिए फर्जंद। प्यारे बाबा जान,
हुजूर की खिदमत में एक बेटे की हैसियत से हाजिर हुए हम। जानते हैं कभी कभी आपको मुश्किल में डाल देते हैं। मुश्किल जानबूझकर पैदा ना की गई हो तो हल निकल ही आता है। बताइए क्या बात है, आप बिला वजह नहीं आते हमारे पास। तशरीफ रखिए, बैठ जाइए। बाबा जान, वो लड़की आसन, कहिए। महल में कैद की जाने वाली वो औरत सारा आसन को जानती है। हमारा ख्याल है कि अगर वो दोनों एक दूसरे से मिलने तो आसन को शायद उनका मासी याद आ जाए। आपकी इस मामले में दिलचस्पी क्या है, मकसद क्या है आखिर? हमारा वाहिद मकसद बस उनकी मदद करना है। उन दोनों की मुलाकात से नाकाबिले तलाफी नुकसान का अंदेशा है। ठीक है तो हम जाएं। कुछ खास जानते हैं आप आसन के बारे में? अचानक एक हादसा पेश आया और उनकी याददाश्त चली गई। उनका एक भाई है, नाम है समीर, जो उस तस्वीर में था। आप जानते हैं उसके भाई समीर को? सबाहतीन ने मिलवाया था। आसन कहीं महल से चली ना जाए इस डर से आपने पहले कभी इसका जिक्र नहीं किया हमसे। इस समीर नामी लड़के को तलाश कीजिए, आसन और सारा का ताल्लुक पता कीजिए, मालूम कीजिए कि सारा को किसने उकसाया कि वो हमारी जान लेने की साजिश रचाए। जाइए शहजादे। कल्फा, हुक्म कीजिए सुल्ताना। कोई खत पढ़ने से रह तो नहीं गए हमसे? नहीं सुल्ताना, बस यही थे सारे खत। तो ठीक है, ये सारा सामान मुस्तहकीन तक पहुंचा दें। हम्दो सना अल्लाह की, जो अपने माल से दूसरों को देने की तौफीक देता है। अल्लाह आपसे राजी हो सुल्ताना। काश कि दूसरी सुल्ताना भी अपनी हैसियत के मुताबिक दूसरों के काम आती। हमें दूसरों की अच्छाइयों को पेश नजर रखना चाहिए। दुरुस्त कहा आपने सुल्ताना, लेकिन सनिया सुल्तान और बेदार सुल्तान एक दूसरे को नीचा दिखाने में मसरूफ रहती हैं। उनके झगड़ों की वजह से पूरा हरम परेशान हुआ है। लोग कैसे मामूली सी बातों को लेकर मुकाबला आराई पर उतर आते हैं यहाँ। काश कि ये मुकाबला किसी अच्छे काम के लिए किया जाता। उनके झगड़ों से सुल्तान भी एक दिन उनसे आजिज आ जाएंगे। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सनिया सुल्तान और बेदार सुल्तान एक अरसे से सियासी मामलात में मुदाखलत कर रही हैं। एस्मा कल्फा, हमें कागज और कलम लाके दीजिए। इतने ज़हीन और नजरियाती इंसान होकर भी तुम यहाँ गम में डूबे बैठे हो मिस्टर हर्जल। नजरियात बोझ बन गए। बोझ ज्यादा है तो बांट लो। चलो बांट लेते हैं। सारा को महल में गिरफ्तार कर लिया गया है तो चलो फिर बरतानवी सफारत खाने चलते हैं। सफीर को पहले ही महल भेज चुका हूँ मैं, उन्होंने उसकी मौजूदगी से इनकार कर दिया है। तो अब हम क्या करें? सारा को वहां से निकालना ही होगा। हाँ जानता हूँ मैं, तुम्हारी मदद चाहिए मुझे इसके लिए। सारा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। हमें सारा की वहां मौजूदगी साबित करने के लिए सबूत चाहिए। क्या तुम किसी तरह से यह काम कर सकते हो? हाँ क्यों नहीं।
कोचवान, शायद कोई हमारा ताकुब कर रहा है, तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ? मैंने उस तरफ देखा नहीं जनाब। वो आ रहा है पीछे। राह चलते दिल बहलाने पर तवज्जो ना दिया करो, बाकी खैर है। जी बहुत बेहतर जनाब। कोचवान, मुझे उतार कर उस आदमी के पास जाओ जिससे रात को मिले थे। उसका नाम है हिरम। उसे बताओ कि उमर महमूद पाशा का ताकुब कर रहा है। जी समझ गया। सुराग मिलने तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा महमूद पाशा। मैं तो मुश्किल में फंस गया हूँ शहजादे। क्या हुआ सबातीन? वालिदा ने मेरा मकबूला से रिश्ता तय कर दिया है। मेरे भाई, एक दिन हमने अपने दोस्त से शादी का जिक्र किया तो उसने कहा कि इस दुनिया में इतनी खूबसूरत लड़कियां मौजूद हैं, फिर एक के साथ जिंदगी गुजारना हिमाकत होगी, और आजादी की सबसे बड़ी दुश्मन शादी है। बस करें शहजादे, शादी के बारे में अपना नजरिया नहीं बदला है मैंने। शादी गुलामी की एक किस्म है, ये गुलामी कबूल नहीं मुझे। आप खुद को ही देख लें शहजादे, आसन के अतराफ तितली की तरह घूमते रहते हैं जबकि पाकीजा के मंगेतर हैं। हमने आसन की वजह से आपको यहां बुलाया है। मेरी वालिदा को बता दें, आसन का रिश्ता मांग लेंगी। फजूल लतीफे छोड़िए और काम की बात सुनिए, हमें समीर से मिलना है। जैसा आप कहें शहजादे, समीर अब ठीक हो चुका है, इस वक्त दफ्तर में होगा, कहें तो चलते हैं। बरतानवी सफीर ने कल महल का दौरा किया था सारा को छुड़ाने के लिए। आपके मुखबिरों ने यह तो बता ही दिया होगा। सारा कोई आम औरत नहीं है पाशा, सफीर ने यह खबर मलिका तक पहुंचा दी होगी। लेकिन अब्दुल हमीद अगर सारा खानम को रिहा करने के लिए रजामंद ना हुआ तो उनकी मलिका भी कुछ नहीं कर पाएंगी। फिर बहुत मुश्किल काम है ये, मगर हम सारा को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है जनाब हर्जल, तो क्या सोच रहे हैं आप? फलस्तीन में मेरा मंसूबा नाकाम हो चुका है। उस्मानियों ने जो अंग्रेज जासूस गिरफ्तार किए हैं वो उन्हें इस्तांबुल लेकर आ रहे हैं। तो इसके नतीजे में कुछ ना कुछ तो होगा। बिल्कुल, यकीनन होगा। अंग्रेज अपने जासूसों के गिरफ्तार होने का बदला मुझसे लेंगे, इसलिए मुझे हर सूरत सारा को बचाना होगा। इस मुसीबत से अगर मुझे कोई शख्स निकाल सकता है तो वो सिर्फ सारा है। तो आपने कोई मंसूबा बनाया? यानी जैसे सफीर को यिल्दिज महल भेजने का कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ क्या? इस बार मेरा मंसूबा कुछ मुख्तलिफ है। हम अपने साथ किसी को मिला रहे हैं, ऐसा शख्स जो हमें वो सब कुछ दिला देगा जो अब तक खोया है हमने। कौन है वो? पारवोस। मैं उससे सारा को महल से बचाकर निकालने के बदले में आर्मीनियो को इस खेल में शामिल करने का कहूंगा। आर्मीनी शामिल करेंगे जनाब हर्जल? आर्मीनी उस धुएं की मानिंद है जिससे हर एक का दम घुटता है। ख्याल रखिएगा आप, कहीं सल्तनत से धुआं निकालते निकालते हमारा ही दम न घुट जाए जनाब। बेफिक्र हो जाएं, जब तक जनाब पारवो साथ हैं सब ठीक हो जाएगा। इस खेल में आर्मीनियों को कैसे शामिल करेंगे? उस्मानी बैंक पर उनसे हमला करवाएंगे पाशा। आर्मीनी दुनिया की तवज्जो हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं उन्हें यह मौका देना चाहता हूं, और अब्दुल हमीद के हाथों हारी हुई रकम भी हम उस बैंक से वसूल कर लेंगे। कैसे? हिरम ने मार दिया है बैंक मैनेजर को, उसकी जगह आप अपने किसी आदमी को मुकर्रर करवा दें।
मेरा ख्याल है ये काम आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। जनाब हर्षल, उस पारवुस को भी इस खेल में ले रहे हैं और मुझसे चाहते हैं कि आम से अफसर को मैं उस्मानी बैंक का मैनेजर बनवा दूं। अब्दुल हमीद को ऐसे तहत का सामना करना होगा जो इससे पहले उसने कभी नहीं देखा। एक तरफ होगा सल्तनत का मौसिस पाशा यानी आप, और दूसरी तरफ सल्तनत का रिश्ता हुआ जख्म यानी आर्मीनी और मैं। आला। आ जाइए मलिका। आइए अंदर आ जाइए। वही में कोई खास बात है क्या? जी मलिका, समझ नहीं आ रहा कैसे बताएं आपको। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आइए हमारे पास आकर बैठिए और बताइए। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि हमारी दुख्तर नाइमे को कमालुद्दीन पाशा पसंद है। मलिका, बात सिर्फ नाइमे की नहीं है, कमालुद्दीन पाशा की खदीजा के साथ भी गुर्बत है। खबीस इंसान, आज तुम्हारी आंख नहीं भेजा उड़ाऊंगा मैं। अच्छा तो चलाओ चलाओ गोली, देख लो मेरे दोनों हाथ खाली हैं। हटाओ ये पिस्तौल, मुझे कुछ हुआ तो मां नहीं बचेगी तुम्हारी। हीरम अफंदी, तुम्हारी हर सांस, तुम्हारा हर कदम, यहां तक कि मैं तुम्हारी जिंदगी भी हराम कर दूंगा तुम्हारे लिए। बंद करो अपनी बकवास और काम की बात करो मुझसे। तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? अपनी माँ के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ मैं, लेकिन याद रखना एक दिन मेरे हाथों मारे जाओगे। मैं इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं उमर। महल में एक औरत हिरासत में है, सारा हिदाया, सुल्तान से बात करो, सारा को लाओ और अपनी माँ को ले जाओ। ये नामुमकिन है। सुल्तान को सूरत हाल बताओ जाकर, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे का वक्त है। अगर अब्दुल हमीद मान जाए तो मुझसे आकर मिलो। जनाब इमैनुअल करासू, आपको देखकर लगता है कि महल में आने वाले अफराद के नामों के फहरिस्त आपके लिए बहुत अहम है, लेकिन मैंने इसका बगौर जायजा लिया, मगर मुझे इसमें कोई ऐसी खास बात नजर नहीं आई। इज्जत पाशा, आपका मशकूर हूं मैं, आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। मैं ये बता नहीं सकता कि ये फहरिस्त मेरे लिए कितनी अहम है। मैं आपके लिए मसर्रत का बाइस बना, मेरे लिए इतना ही काफी है। ये रही आपकी दस्तावेज। मैं आपका ये कर्ज कैसे अदा करूंगा इज्जत पाशा? क्यों शर्मिंदा करते हैं, दोस्तों के दरमियान कोई कर्ज नहीं हुआ करता। ठीक है, क्या खूब कहा पाशा, आप साहिब हैसियत हैं। कोई भी मिस्कीन या मोहताज वगैरह या कोई फलाही इदारा आपके इल्म में है? जी हाँ बिल्कुल है।
मेहरबानी कीजिए और इसे हटा लीजिए। यूं समझें जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। कबूल कर लीजिए जनाब, अगर आप इसे जरूरतमंदों तक पहुंचा देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, यकीन कीजिए। इस सूरत में यह मुमकिन है। आप बहुत सखी इंसान हैं जनाब इमैनुअल ग्रासू। आज के बाद आप एक बिल्कुल ही अलग इंसान बन जाएंगे इज्जत पाशा। कुछ कहा आपने? कुछ नहीं, दरअसल तो सखी इंसान आप हैं पाशा। उसे ये बात बिल्कुल मत बताइएगा कि आसन महल में है। फिक्र मत करें शहजादे, समीर आफंदी को पता नहीं चलेगा कि आसन महल नामी जिंदान में है। आजादी के उस मतवाले को यह सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। हम सिर्फ आसन की मदद करना चाहते हैं, अगर उन्हें माजी याद दिलाया तो वो अफसुरदा हो जाएंगी। मेरे ख्याल से आसन को उसका माजी याद दिलाना बहुत बड़ा एहसान होगा उस पर। मगर हमारी राय बिल्कुल बरक्स है सबाद्दीन, वो अपना तारीख माजी भूल चुकी हैं और उन्हें याद दिलाकर उदास नहीं करना चाहते हम। ओ, इतना बड़ा शर्फ बख्शा हमें। एक पाशा ज्यादा और सहाफी को मरवाने की कोशिश करने वाले सुल्तान का आजादी पसंद शहजादा तशरीफ लाया है। झूठ लिख रहे हैं सहाफी, जो उस सुल्तान पर बहुतान तराशी कर रहे हैं जिसने तख्त नशीन होने के बाद कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। यही सच है शहजादे, अब इन मामलों पर बहस करने से कोई फायदा नहीं। हमारे बाबा आमिर तो हो सकते हैं लेकिन कातिल कभी नहीं। शहजादे बराए मेहरबानी पुरसकून रहे। इस मसले को अना का मसला बना लिया आप लोगों ने। मोहतरम शहजादे, मैं किसी मसले को अना का मसला नहीं बनाता। मैंने कभी किसी से इंतकाम लेने की कोशिश नहीं की। मैं तो हमेशा असल हकीकत को सामने लाना चाहता हूँ। बात सुनिए समीर अफंदी, अपने कलम की ताकत को बेगुनाह लोगों पर बोहतान लगाने के लिए सर्व करते हैं आप। बताइए क्या सबूत है आपके पास जो आप हमारे बाबा पर कातिल होने का इल्जाम लगाते हैं? आपने उन्हें किसी को मारते देखा है? शहजादे, आपके बाबा ने मेरे बाबा को मारा था। ये कमरा सारा का है ना? तुम्हें कैसे पता? अब तक उसने अपना इत्र नहीं बदला। इस फूल की खुशबू भी सारा की महक के आगे कुछ भी नहीं। हर्सल, सारा को पहले छुड़ा ले फिर तुम्हें जज्बात का इजहार करना। क्या यह दस्तावेज रिहाई के लिए काफी नहीं? अकेली तो काफी नहीं होगी। तो यानी मुझे कुछ और भी करना होगा? हाँ, तुम ये दस्तावेज मेरे हवाले कर दो, बाकी फिर मेरा काम है। बरतानवी सफीर जब यह दस्तावेज देखेगा तो मलिका को इत्तला देने के लिए टेलीग्राम भेजेगा और जनाब पारवोस को यह खबर पहुंच जाएगी। सारा का क्या होगा हर्सल? सारा, सारा को कैसे बचाएंगे हम? जनाब पारवोस इस खबर के मिलते ही मुझसे राब्ता करेंगे। जब तक सुल्तान सारा को अपनी हिरासत में रखेगा पाया तख्त में खून बहाएंगे हम। क्या हुआ मेरे भाई, कोई खबर है? हाँ खबर तो है,
क्या है? मैं पाशा का ताकुब कर रहा था, अचानक हिरम सामने आ गया। क्या? और आसिया खाला? आसिया खाला कहाँ है उमर? नहीं मालूम यूसुफ, उस बदमाश ने एक शर्त रखी है। सारा नामी कोई औरत महल में कैद है, कहा उसे लाओ और अपनी माँ को ले जाओ। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो उमर? तुम्हें तो महल जाना चाहिए। ये इतना आसान नहीं है, मैं सुल्तान से इसका मुतालबा कैसे करूंगा? ना जाने वो कौन है, कहां से आई है। उसे अगर हिरम छुड़ाना चाहता है तो वो कोई आम औरत नहीं, यकीनन मुल्क और कौम की दुश्मन होगी। क्या सुल्तान हमारी फरिश्ते जैसी मां के लिए उस मलून औरत को नहीं छोड़ेंगे? पहले ही रियासत का बोझ सुल्तान के कांधों पर है, उसमें इजाफा नहीं कर सकता मैं। अगर वो औरत महल में कैद है तो यही मुल्क और कौम के मफाद में बेहतर होगा, ऐसी औरत को क्यों रिहा करेंगे? सुल्तान मौज़म की फिरासत, सियासत और बसीरत के बगैर तुम ये मसला कभी हल नहीं कर सकते। वहां जाओ उमर और अपनी परेशानी का जिक्र करो उनसे। मुझे यकीन है कि अगर इस मसले का कोई हल हुआ तो सुल्तान जरूर मदद करेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। वो एक दूरंदेश हुक्मरान है। दुरुस्त कहा आपने, दुरुस्त कहा। वालिदा आप? ये तो, ये आपको कहां से मिला वालिदा? बहुत शर्मिंदा है वालिदा, हमारे कलम ने हमसे ये सब धोखे से लिखवा लिया वालिदा। आइए बैठिए। शर्मिंदा क्यों हो रही हैं आप? आप हमें अपने दिल का हाल बता सकती हैं। सहरा के मुसाफिर की तरह प्यास महसूस करते हैं वालिदा हम। आंखों का नूर हैं आप, उस्मानी सुल्तान की दुख्तर हैं। आपकी एक मुस्कुराहट पर सारा जहान कुर्बान। आपको किसी से अपनी दिलचस्पी जाहिर करने की जरूरत नहीं है। नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। कोई चाहकर भी आपको इनकार नहीं कर सकता। आप इश्क की असीर नहीं, इश्क की अमीर हैं नूरे नजर। आपकी वालिदा मुनासिब तरीके से सारा बंदोबस्त करवा देंगी। ठीक है, आइए। समीर से मुलाकात हुई आपकी शहजादे? जी, लेकिन उसने जो हमें बताया आपको सुन के बुरा लगेगा। आसन का नाम मलिके है, वो समीर की सगी बहन है। 10 साल पहले उन्होंने अपने बाबा को खो दिया। उनके बाबा को आपने मारा था, जिनका नाम था इब्राहिम। हमने बहुत एतराज किया मगर समीर ने हमें ऐसे सबूत दिखाए कि उनकी मौत एक तीर से हुई थी और उस तीर पर आपकी मोहर सब थी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने 2 बच्चों को यतीम कर दिया। हमारी तरफ देखिए, क्या ऐसा काम कभी कर सकते हैं हम? ये आसन को यहां भेजने वालों ने हम पर इल्जाम लगाया है, उनकी साजिश में शामिल है। इस बात का जिक्र किसी से मत कीजिएगा, इंतजार कीजिए बस। जी ठीक है। मेरे सुल्तान, उस समीर को यहां बुलवा कर क्यों ना पूछ गछ कर लें हम? इस तरह उसका यकीन और पुख्ता हो जाएगा कि उसके बाबा की जान हमने ही ली है तहसीन पाशा, वो कुछ नहीं बताएगा हमें। मेरे सुल्तान, आप पर यूं बोहतान लगाने वाले महशर के रोज अपना सर न उठा सकेंगे। दस्तखत कीजिए। स्नेहा सुल्तान जब ये देखेंगी
तो वो उस लड़की को महल से बाहर नहीं ले जा सकेंगी अब्दुल कादिर। आजाद हैं आप। बाबा ने आपके बाबा का कत्ल किया था। सारा खानम, क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो हैं? सारा खानम, सारा खानम।